नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ न्यूज, खबर नालंदा से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ अगली सरकार बनाने के लिए राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार आठवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। उसके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके बाद नालंदा में राजद के नेता एवं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज हम लोग का बहुत शुभ दिन है, इसको बयां कितनों भी करेंगे तो कम पड़ जाएगा। आज जो हमारा जो जनादेश राष्ट्रीय जनता दल को मिला था, उस जनादेश के देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल में आकर के महागठबंधन की सरकार आज बनाने जा रहे हैं। आ इसको सम्मान करते हुए नीतीश जी अपने महागठबंधन की सरकार चलाएंगे और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एवं महागठबंधन के कार्यकर्ता में बहुत खुशी का लहर है। किस तरह से मना रहे हैं आप लोग, किस तरह से मना रहे हैं? हम लोग आज हार्दिक बधाई दे रहे हैं। क्या किया आज? मिठाई खिलाए, पटाखे? हाँ, मिठाई खिलाए, पटाखे छोड़े और खुशी से रंग अबीर हम लोग गुलाल उड़ाए। क्या नाम लेते हैं? भाई देवीलाल यादव। आज संपूर्ण बिहार में युवा, बुजुर्ग, नौजवान मिठाई बांट कर, पटाखा फोड़ कर बिहार की स्वाभिमान को बढ़ा रहा है और महागठबंधन के नेतृत्व में, हमारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हस्तिनापुर कब्जा करने जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन जो बना, आज सारा खुशी चारों तरफ लहर दौड़ पड़ा। गरीब, गुरिया, मजदूर आज महंगाई चरम सीमा पर है। उसकी लड़ाई लड़ने के बाद हमारे सत्ता वापस आया है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में हस्तिनापुर यूपीए बना करके, इनको नीतीश कुमार जी को नेता बनाकर हस्तिनापुर कब्जा करना है 2024 में।